भारत सरकार के राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष बबन रावत पिछले 3 दिनों से बिहार दौरे पर हैं और सफाई मजदूरों की जीवन स्तर का फैक्ट चेक कर रहे हैं। इसी के तहत शुक्रवार को उन्होंने गया शहर के वार्ड संख्या 10 F11 के विभिन्न मोहल्ले का भ्रमण किया, जिसमें सफाई मजदूरों का निवास है। उन्होंने सफाई मजदूरों और उनके परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की। उन्होंने बैरागी, डाक स्थान, तेलबीघा, जनता कॉलोनी सहित कई मोहल्ले का भ्रमण किया। इस मौके पर गया नगर निगम के मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त सावन कुमार सहित कई अनधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस दौरान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष बबन रावत ने कहा कि मुख्य रूप से पटना, जहानाबाद और गया जिला का दौरा कर रहे हैं और सफाई मजदूरों की वास्तविकता स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिशन का मुख्य उद्देश्य सफाई मजदूरों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति से अवगत होना है। इसके बाद अपनी रिपोर्ट को भारत सरकार को देंगे। निरीक्षण के दौरान जो खामियां पाई जा रही है उसे भी अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार को देंगे ताकि सफाई मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। निरीक्षण के दौरान तेलबीघा, डोमटोली मोहल्ले में मजदूरों के पेयजल व शौचालय की समस्या से भी वो अवगत हुए। इसके लिए नगर आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों से मिलकर पेयजल व शौचालय की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ अन्य किसी तरह की समस्या आती है तो उसका भी निदान करने का प्रयास किया जाएगा। मैं बबन रावत हूँ, भारत सरकार में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का उपाध्यक्ष हूँ। 3 दिनों के बिहार दौरे पर आया हूँ, पटना, जहानाबाद और गया। पटना जहानाबाद के दौरा पूरा करने के बाद अब मैं आपके शहर गया में हूँ। कल से हूँ, कल भी कुछ महादलित सफाई कामगार समुदाय की बस्तियों का भ्रमण किया था, आज भी सफाई कर्मचारियों की बस्ती के भ्रमण पर हूँ। हमारे साथ मेयर साहब हैं, डिप्टी मेयर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं और सफाई कर्मचारी आयोग का फील्ड विजिट का उद्देश्य यह है कि सफाई कर्मचारियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करना और समय समय पर भारत सरकार को अपना रिपोर्ट प्रेषित करना है। यदि सफाई कर्मचारियों को मूलभूत सहूलियतें उपलब्ध नहीं हो रही हैं तो अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उनकी समस्याओं का निष्पादन कराना सफाई कर्मचारी आयोग का उद्देश्य है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर गया शहर में आया हूं। अभी फील्ड विजिट है, 11 बजे से जिला समाहर्ता महोदय के समाहरणालय में जिले के कलेक्टर, SSP, नगर निगम आयुक्त, DDC, SDM और बाकी अधिकारियों के साथ आयोग की बैठक होने वाली है और इन जो कुछ भी मुझे कमी नज़र आई होगी उसको मैं अधिकारियों के समक्ष रखूँगा। फिलहाल मैं अभी विजिट कर रहा हूँ और यहाँ की व्यवस्था मुझे अच्छी लगी, संतोषजनक है और मैं थैंक्स दूंगा नगर निगम के मेयर को, डिप्टी मेयर को और कमिश्नर को कि आपने इन बस्तियों को सजाया है, संवारा है। खासकर सामने रैन बसेरा है, रैन बसेरा में मैं गया, कुछ विद्यार्थी आए थे जो दूर दराज के थे, कोई पुलिस में किसी बहाली से रिलेटेड किसी काम को लेकर आया था, कोई टीचर में कोई फॉर्म भरने के उद्देश्य से या किसी विभिन्न कार्य से आए थे, उनसे हमने बात की, देखा व्यवस्था अच्छी है और कुल मिला जुला करके यहाँ की व्यवस्था से मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन एक उधर कौन सी जगह है जी जहाँ चल गए थे, गोलबीघा डोमटोली की स्थिति ठीक नहीं है। आज नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन से बात करूँगा कि वहाँ की स्थिति में सुधार आए, पानी की और शौचालय की, आवासन की। बताया गया सम्मानित राष्ट्रीय मजदूर सफाई मजदूर आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री बबन रावत जी 2 दिवसीय दौरा पर गया में हैं। हम लोग नगर निगम के महापौर महोदय, नगर आयुक्त साहब और लोग सभी लोग यहां पे मिल करके इनको विजिट कराए, दिखाए, रैन बसेरा से लेकर के सफाई मजदूर के रहने की व्यवस्था से लेकर पानी जलापूर्ति से लेकर के उनको रहन सहन और सारी व्यवस्थाएं बताया और एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी जानकारी दिया हूं। विशेष बैठक में हम लोग विशेष आमंत्रित किए गए हैं, मेयर और डिप्टी मेयर कलेक्ट्रेट में जा कर के जो भी और कुछ त्रुटियां रह जाएगी उसको हम सब मिल कर के पाटेंगे और इसको और बेहतर, इसलिए कि सफाई से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब तक देश में और समाज में और शहर में या किसी क्षेत्र में सफाई नहीं होगा
तब तक उसकी कोई भी निखार नहीं आएगी, ना उसका कोई कल्याण होगा। चाहे कपड़ा हो सफाई मस्त है, चेहरा हो सफाई मस्त है, शरीर हो सफाई मस्त है, रोड हो उसकी मस्त है, गाड़ी हो उसकी सफाई मस्त है, नहीं तो अन्यथा उसका रूप रंग और जो अस्तित्व है और रूप है वो सब बदल जाएगा, पहचान में भी नहीं आएगा। तो इसलिए हर घर में मलमूत्र त्यागे जाते हैं, वो बाथरूम के माध्यम से या टैंक के माध्यम से, सेप्टिक टैंक के माध्यम से वो कहीं ना कहीं नगर निगम को टच करता है, अपशिष्ट प्रबंधन में आता है। तो हम लोग इस पर विशेष बल दिए हैं और हम लोग बड़ी बड़ी योजनाओं को यहाँ इम्प्लीमेंट भी करने जा रहे हैं, इम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और हम उसको कारगर करने के लिए हम लोग सब प्रयासरत हैं और ज़्यादा बेहतर करने के लिए आगे हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ये गया का भ्रमण किया, इनको दिल से मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। नियमित करने के लिए सरकार ने तो अनुबंध पर रखने के लिए मना कर दिया, दैनिक पर रखने के लिए भी मना कर दिया, आउटसोर्सिंग होना है, हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय पटना में मामला चल रहा है, नगर आयोग को पत्र सरकार द्वारा दी गई है, एक भी व्यक्ति आप रखेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे परिस्थिति में नियमित होना। दूसरा, मार्च के दौरान जो हम लोग को पावर था नगर निगम को, लोकल निकाय को, धारा 36, 37, 38 के तहत चतुर्थ वर्ग और ग्रेड सी का अपॉइंटमेंट करके उसको रखने आवश्यकता अनुसार सीट भी अपने स्तर से सृजित कर दी गई है और सारा पावर जितना था उसको विलोपित कर दिया गया। उसके लिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में बात दायर किए हुए मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिल के द्वारा और लोगों के द्वारा हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और जितना हक अधिकार है उसमें जो लोग हम लोग कर रहे हैं काफ़ी संतोषजनक है, आगे भी भरपूर प्रयास जारी रहेगा।